Hello my dear students. So today we are going to study computer class 1 chapter number 2, that is the parts of a computer. In this chapter we are going to study about monitor, the CPU, the keyboard, the mouse, the printer, the speaker and the joystick. We all know that our body part is made up of different functions, different parts. हम लोग जानते हैं कि हमारा body भी दूसरे दूसरे पार्ट से ही बना हुआ है, मिलके बना हुआ है. जैसे आईज, ईयर, नोज, फिंगर, हैंड्स, लेग्स, ये सब डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है. इसी तरह कंप्यूटर का भी डिफरेंट पार्ट्स होता है. कंप्यूटर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, जस्ट लाइक मोनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, स्पीकर एंड द जॉयस्टिक. सो मोनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मोनिटर कैसा होता है? टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है. कैसा दिखता है? टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है. वी कैन वॉच मूवीज ऑन इट. हम लोग मोनिटर पे मूवीज देखते हैं. वी कैन प्ले गेम्स ऑन इट. हम लोग मोनिटर से गेम खेलते हैं, गेम देखते हैं. वी सीपीयू. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब सारे पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है. मोनिटर को कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को कंट्रोल करता है, माउस को कंट्रोल करता है, तो ये सबको कंट्रोल करता है. तो ये सीपीयू है. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स ऑन इट. कीबोर्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट बटन्स रहते हैं. इसको क्या कहते हैं? कीज. दीज आर कॉल्ड कीज. वी कैन इजिली टाइप एनी अल्फाबेट और लेटर यूजिंग दिस कीबोर्ड. हम लोग कुछ भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं. किसके थ्रू? किसके यूज से? कीबोर्ड के यूज से. वी कैन इजिली टाइप एनी अल्फाबेट और लेटर्स यूजिंग अ कीबोर्ड. माउस. व्हाट इज माउस? माउस इज लुक्स लाइक अ रियल माउस. जो हमारा माउस है वो किसकी तरह दिखता है? रियल माउस की तरह दिखता है. इट हैज इवन अ टेल. इसके पास एक टेल भी होता है. वायर्स, जिसको हम लोग कंप्यूटर माउस जो होता है उसको हम लोग इसके टेल को वायर्स कहते हैं. इट हैज इवन टेल. इसके पास टेल भी होता है. इट हैज टू और थ्री बटन्स ऑन इट. इसमें टू और थ्री बटन्स रहते हैं. लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील. इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. इसको कुछ भी स्क्रीन पे पॉइंट करना हो, दिखाना हो, सिलेक्ट करना, मूव करना, तो हम लोग किसके यूज से करते हैं? माउस के यूज से करते हैं. माउस इज केप्ट ऑन माउस पैड. माउस कहाँ रखा जाता है? माउस पैड पे रखा जाता है. माउस पैड इज द सीट ऑफ माउस. जो माउस पैड होता है वो माउस का सीट होता है. वो माउस उसके उसपे रहता है. वो माउस इसके. नेक्स्ट इज प्रिंटर. व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर? द प्रिंटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंटेड कॉपी. प्रिंटर्स आर यूज टू प्रिंट ऑन ए पेपर व्हाट यू सी ऑन ए मॉनिटर. प्रिंटर का क्या काम है? प्रिंट करना. जो भी हम लोग मॉनिटर पे देखते हैं उसे हम लोगों को अगर पेपर पे लाना है तो वो हम किसकी यूज से करेंगे? प्रिंटर के यूज से हम लोग पेपर का मॉनिटर कवर पेपर पे ला सकते हैं विद द यूज ऑफ प्रिंटर. जो प्रिंट आउट होता है, जो प्रिंटेड कॉपी निकलता है प्रिंटर से, उसको हम लोग प्रिंट आउट कहते हैं. दिस आर कॉल्ड प्रिंट आउट. स्पीकर. स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक. जो स्पीकर का काम होता है उससे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं और कोई भी अदर साउंड हम लोग सुन सकते हैं स्पीकर से थ्रू. जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए मॉनिटर. जॉयस्टिक से हम लोग मॉनिटर पे गेम खेल सकते हैं विद द यूज ऑफ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक हैज टू थ्री और फोर बटन्स. जॉयस्टिक के पास तीन या चार बटन्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं. जॉयस्टिक जो होता है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. उसके ही थ्रू हम लोग मॉनिटर को पॉइंट करते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि वो अपना काम करे. हम लोग उसके थ्रू हम लोग गेम खेल सके. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, दे ऑल आर कनेक्टेड विथ वायर्स टू दी सीपीयू. ये सब इससे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू के थ्रू कनेक्ट होते हैं. वायर्स और केबल के थ्रू सीपीयू में कनेक्ट होते हैं. सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ प्लीज लर्न एंड राइट इट. इसको लर्न करना है और कॉपी.
में लिखना है, जो भी नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू मिलेगा उसे पेयर कॉपी में लिखिए और याद करिए। थैंक यू।